हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिजियो पाठशाला में। फिर से हम आज न्यू टॉपिक जो बेसिकली हमारा पहले से बहुत सारे उसके वीडियोस आ चुके हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली पीएनएफ की न्यू टेक्निक हम सीखेंगे, थ्योरी की थ्योरी में उस टेक्निक के बारे में क्या कहती है, कैसे होता है, देन उसके बाद उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पीएनएफ का नेक्स्ट टेक्निक। दिस इज रिपीटेटेड कॉन्ट्रैक्शंस। ओके, तो प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन का नया टेक्निक देखेंगे कि उसके प्रोप्रियोसेप्टर जो इंगेज करता है न्यूरोमस्कुलर मतलब फंक्शन को, जिसकी वजह से हमारा रेंज ऑफ मोशन या मसल का कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ाता है। ओके, तो उसका एक टेक्निक है रिपीटेटेड कॉन्ट्रेक्शन। जैसे हमने अभी तक दो टेक्निक तीन टेक्निक डिस्कस कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, रिदमिक इनिशिएशन एंड रिदमिक स्टेबलाइजेशन। तो जो रिपीटेड कॉन्ट्रेक्शन है, अब बेसिकली रिपीटेटेड कॉन्ट्रेक्शन मतलब जैसे हमने रिदमिक इनिशिएशन देखा था कि भाई कुछ भी अगर हमें मूवमेंट रेंज ऑफ मोशन खोलना है फ्लैक्सिबिलिटी के बाद या एनी अदर इंजरी या पैथोलॉजी के बाद, तो उसमें हमने क्या करना था, रिदमिक इनिशिएशन एनी अगर फ्लेक्शन शोल्डर फ्लेक्शन तो रिदमिक इनिशिएशन क्विक, देन फिर उसके बाद एक्टिव असिस्टेड, देन एक्टिव, ऐसे करके हमें जाना था। बट रिपीटेड कॉन्ट्रेक्शन में क्या डिफरेंस है ना, तो चेक करते हैं पहले इसका। और नाम है रिपीटेटेड कॉन्ट्रेक्शन, मतलब रिपीटेटेड कॉन्ट्रेक्शन होना चाहिए तभी ये टेक्निक का नाम है, या इस टेक्निक को हम क्या भी बोल सकते हैं, कुछ बोलते हैं रिपीटेटेड रिपीटेटेड स्ट्रेच स्ट्रेच कॉन्ट्रेक्शन टेक्निक, ये भी बोलते हैं या रिपीटेटेड कॉन्ट्रेक्शन स्ट्रेच। ओके, बट कैसे काम करता है बेसिकली, अगर मान के चलो मैं एल्बो एग्जाम्पल देता हूं उसके अकॉर्डिंग थ्योरी समझते हैं, तो हमारे एल्बो में फ्लेक्शन रेंज नहीं है। ओके, बेसिकली एल्बो का फ्लेक्शन खोलना है। अब एल्बो का फ्लेक्शन बेसिकली रिपीटेड कॉन्ट्रेक्शन किस पर काम करेगा, हमारे डायगोनल पैटर्न पर, मतलब डायगोनल पैटर्न मतलब D1 D2 फ्लेक्शन एक्सटेंशन इन पर काम करेगा। बेसिकली अगर मीन टू से पूरा जितने भी हमारे अपर एक्सट्रीमिटी पर बात करें, अगर D1 फ्लेक्शन या D2 फ्लेक्शन किसी भी बात करें, तो हमारे अपर एक्सट्रीमिटी में शोल्डर देन एल्बो देन रिस्ट सभी पर काम आएगा, है ना। तो बेसिकली अगर मान के चलो मुझे कॉम्बिंग करनी है या मुझे खाना खाना है, तो शोल्डर से लेके यहाँ तक पूरा काम हो रहा है, ये आ गया हमारा डेली एक्टिविटी। बट हमें इसको किसमें लाना है, इस कॉन्ट्रेक्शन में, रिपीटेटेड कॉन्ट्रेक्शन में, है ना। तो बेसिकली इस खाने के लिए ये फंक्शन नहीं हो पा रहा है। बेसिकली अगर फोकस करें तो एल्बो फ्लेक्शन विथ सुपिनेशन, है ना। तो इसके लिए हमने क्या करना है, रिपीटेटेड कॉन्ट्रेक्शन लाना है इसमें, बट विथ रिपीटेटेड स्ट्रेच, ठीक है। अब उसके साथ ये करने से क्या होगा, हमारा न्यूरोमस्कुलर जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स होगा वो जनरेट होगा, उसकी वजह से नर्व जो होगी वो इंगेज होगी, जिसकी वजह से मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, जिससे हमारा रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगा। ओके, चलो देखते हैं मेन टू से हमारे, तो काम किसमें होगा, रिपीटेड कॉन्ट्रेक्शन डायगोनल पैटर्न में, डायगोनल पैटर्न ऑफ पीएनएफ, या नॉर्मल भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, अब एल्बो फ्लेक्शन का एग्जांपल लेते हैं, तो हमें क्या करना है, एल्बो फ्लेक्शन रेंज ऑफ बोन मोशन बढ़ाना है। ओके, अब बेसिकली रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन हमारा एगोनिस्ट पे काम करेगा, एगोनिस्ट मसल मतलब जो मसल मूवमेंट करवा रही है, एल्बो फ्लेक्शन कौन करवा रहा है, बाइसेप्स। ओके, तो रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन एगोनिस्ट पे काम करेगा। ओके, और इसको रिपीटेड स्ट्रेस कॉन्ट्रैक्शन टेक्निक भी बोलते हैं। अब काम कैसे करेगा, एल्बो फ्लेक्शन रेंज ऑफ मोशन एल्बो की रिड्यूस है, हमने रेंज ऑफ मोशन के लिए रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन टेक्निक यूज करनी है। तो सबसे पहले इसमें जो फंडा है, नॉर्मल फ्लेक्शन एल्बो, इसको इंक्रीज करना है रिपीटेड कॉन्ट्रेक्शन के थ्रू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने चेक करना रेंज ऑफ मोशन है, ठीक है। अब इसको किसी पॉइंट पे भी कर सकते हैं, अगर हमारा 60 डिग्री 30 डिग्री एनीथिंग किसी पे भी। तो उसके बाद क्या करना है, फ्लेक्शन खोलने के लिए पहले इसका स्ट्रेच, ओके, कैसे मेन टू से नॉर्मल है एक्सटेंशन में भी, एल्बो एक्सटेंशन में गया, देन उसके बाद हमें, अब जब एक्सटेंशन में जाएगा तभी हमारा बाइसेप्स पर क्या पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा, है ना। तो बाइसेप्स पर स्ट्रेस मतलब एल्बो एक्सटेंशन, हमने क्या करना है, क्विक स्ट्रेच विथ रेजिस्टेंस, मतलब पहले हमने क्या करा, एल्बो एक्सटेंशन कर लिया, क्विक स्ट्रेस दिया बाइसेप्स का और अकॉर्डिंग सुपिनेशन या प्रोनेशन जिसके साथ, ओके, हमने क्विक स्ट्रेस दिया, देन उसके बाद पेशेंट या एनीथिंग उसको बोलना है इनिशिएट करो अपना एल्बो फ्लेक्शन विथ, और हमने रेजिस्टेंस देना है, ठीक है। तो थ्योरी इसमें कैसे हुई, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या आ गया, जो मसल है एगोनिस्ट मसल है उसका स्ट्रेच, ओके,
तो मसल बाइसेप्स एल्बो फ्लेक्शन करवा रही है, उसका स्ट्रेच करवा, ओके, विद अपोजिट डायरेक्शन में। नंबर दो, रेजिस्टेंस, जो कि हमारा क्या पढ़ाया गया, स्ट्रेंथ, ओके। उसके बाद क्विक हमने स्ट्रेस दिया, देन उसके बाद पेशेंट को बोला या पर्सन को बोला कि अपना एल्बो फ्लेक्स कर, तो हमने वहां पर रेजिस्टेंस देना है माइनर, ओके, माइल्ड टू मॉडरेट। देन उसके बाद रिपीटेड कॉन्ट्रेक्शन, ओके। तो छोरी क्या कह रही है, क्विक स्ट्रेस दीजिए, रेजिस्टेंस दीजिए, देन उसके बाद रिपीटेड कॉन्ट्रेक्शन करवाइए, किसका, मसल का। तो बेसिकली काम क्या हो रहा है, एल्बो फ्लेक्शन है ना। तो सबसे पहले फ्लेक्सर का सीधा स्ट्रेच, क्विक स्ट्रेस, देन उसके बाद रेजिस्टेंस के साथ उसके जितना भी होगा कैपेबिलिटी, माइल्ड मॉडरेट, उसके साथ एल्बो फ्लेक्शन करने के लिए, देन रिपीटेड कॉन्ट्रेक्शन, जो कि क्या इंगेज करेगा हमारा रेंज ऑफ मोशन को, रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करेगा। अब इसमें समझते हैं कैसे। बेसिकली इसमें जो हमारा स्ट्रेच रिफ्लेक्स है ये एक्टिवेट होगा है ना। हम क्या कर रहे हैं, क्विक स्ट्रेस दे रहे हैं बार बार, मीन टू से मेरा ये है, क्विक स्ट्रेस दे रहे हैं, ओके। तो उसकी वजह से स्ट्रेच रिफ्लेक्स इंगेज होगा, जो क्या कर रहा है, न्यूरल फैसिलिटेशन कर रहा है। न्यूरल फैसिलिटेशन होगा तो मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगा, ओके। तो ये था हमारा थ्योरी, किसका, रिपीटेड कॉन्ट्रेक्शन का, तीन स्टेप, स्ट्रेस रेजिस्टेंस एंड रिपीटेड कॉन्ट्रेक्शन, जो कि हमारे डायगोनल पैटर्न भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो डेली एक्टिविटी के काम में आएंगे है ना, जितने भी हम कितना एडीएल कर रहे हैं अपने, और नॉर्मल हमें रेंज ऑफ मोशन खोलना है तो, और किस पर काम होगा, एगोनिस्ट पे। तो ये थ्योरी थी हमारी रिपीटेटेड कॉन्ट्रेक्शन टेक्निक की, या रिपीटेटेड स्ट्रेस कॉन्ट्रेक्शन टेक्निक, जो हमारा पीएनएफ का एक टेक्निक पार्ट है, जो कि हमारा रेंज ऑफ मोशन में इंक्रीज करेगा। तो बेसिकली इंडिकेशन, रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के लिए, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, या हमारी मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ओके गाइस। अब नेक्स्ट मिलेंगे हम इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में, कि कैसे हम इसको यूज करेंगे, ठीक है, ओके।